टिप्स फॉर रिकवरी आफ्टर राइनोप्लास्टी सर्जरी यस माई साहब डॉक्टर सुनील तंवर कंसल्टेंट ई एन टी एंड राइनोप्लास्टी नो सर्जन यस दोस्तों एवरीवन वांट्स स्मूथ हीलिंग आफ्टर द राइनोप्लास्टी सर्जरी जैसा आपको पता है राइनोप्लास्टी जो सर्जरी है उसके बाद में बहुत महत्वपूर्ण है कि आपको जो है आपका जो हीलिंग है वो बहुत स्मूथ हो और क्विक और फास्ट आपकी हीलिंग हो दोस्तों राइनोप्लास्टी सर्जरी के बाद कुछ टिप्स हैं जो हम बात करेंगे कैसे हम हमारी जो हीलिंग है उसको स्मूथ बना सकते हैं नंबर वन सबसे पहले जो आपको डॉक्टर ने आपका जो डिस्चार्ज टिकट दिया हुआ है उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन है जो डॉक्टर का आपको कंटिन्यू फॉलो करना है नंबर वन यू जस्ट टेक द मेडिकेशंस थोरो बहुत बार क्या होता है कि जो डॉक्टर ने मेडिकेशंस प्रिस्क्राइब की हैं वो मेडिकेशंस जो है पेशेंट्स किसी कारण से नहीं लेता और उनको बंद कर देता है पेशेंट्स को लगता है ये हैवी है या वो वो जो है गर्मी कर गई ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती हैं अगर किसी मेडिकेशन से आपको प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका दूसरा साल्ट भी निकला सकते हैं बट आपको अपना मेडिकेशंस बंद नहीं करना चाहिए नंबर टू दोस्तों आपको जो है अपना जो है ईटिंग हैबिट्स खाने पीने का जो है वो भी एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है आपको जो है सर्जरी के बाद के अंदर जो आपका करीब जो टाइम पीरियड होता है जब टेन डेज़ नाक के ऊपर स्प्लिंट होता है तो पार्टिकुलरली आपको खाने के अंदर थोड़ा सा लिक्विड या सेमी सॉलिड चीज़ें ले लेनी चाहिए चीज़े, बहुत हार्ड चीज़ें नहीं लेनी चाहिए नॉनवेज नहीं लेना चाहिए आपको और ऐसी चीज़ें जो नोज़ को बाइट करने पर ट्रामा हो सकता है वो चीज़ें हमें नहीं लेनी चाहिए इसके अलावा दोस्तों थर्ड इम्पोर्टेंट थिंग आपका जो है आपकी हैबिट्स हैबिट्स इन द सेंस कि जैसे आपको स्मोकिंग अगर आप करते हैं तो ये डेफिनेटली यू स्टॉप योर स्मोकिंग इसके अलावा अल्कोहल दोस्तों अल्कोहल भी एक जो आपकी हीलिंग होती है नोज़ के टिश्यू की उसको क्या है डिले करता है सो तो इसके आपको जो है अल्कोहल भी आपको अवॉइड करना है फोर्थ इम्पॉर्टेंट थिंग दोस्तों अगर आप डेली अगर आपको जिम जाने का आपको जो है वर्कअप करने का शौक़ है तो आपको आप जिम जा सकते हैं बट uh, आप जो है हल्का जो है वो uh, जॉगिंग कर सकते हैं बट आपको एट यू ट्राई टू अवॉइड द हैवी एक्सरसाइज वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइज बेसिकली हमें अवॉइड करना है फिफ्थ इंपॉर्टेंट थिंग जो डॉक्टर ने नोज़ का क्लीनिंग बताया क्योंकि आफ्टर द सर्जरी नोज के अंदर क्या हो क्रस्ट बनता है करोड़ बनते हैं वो करोड़ क्या करते हैं नोज़ को चिपका लेते हैं ब्लॉक कर लेते हैं सो तो नोज को क्या है कि आपको जो है कुछ नेजल वॉश का उसमें आपको डॉक्टर सामान देता है जिसके अंदर आपको जो है कुछ लिक्विड पैराफिस होता है जो ड्रॉप आपको हमारे को डालना होता है एंड उसके बाद के अंदर एक एल्कल नेजल वॉश होता है उस वॉश के सोल्यूशन से नोज को क्या है आगे जैसे हम जल नीति करते हैं वैसे हल्का सा नोज में चला के नोज को प्रेस करके क्लीन करना होता है एंड लास्ट में एक डिकन्जस्टेंट ड्रॉप डाला जाता है तो इन सबसे उस से क्या होता है कि उसका अंदर खरूट नहीं बनता इसके अलावा दोस्तों आपकी जो है कंटिन्यू अगर कोई मेडिकेशन आपको चल रही है किसी को आप कोई डायबिटीज़ है या किसी को कोई ब्लड प्रेशर है वो मेडिकेशन आपकी कंटिन्यू लेनी चाहिए हमें बिल्कुल भी बंद नहीं करनी चाहिए सो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट वो टिप्स हैं जो हम हमारी हीलिंग को जो है वो इम्प्रूवमेंट करता है एंड इसके अलावा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है आपका जो नोस पे जो चेंजेस किया गया है उन चेंजेस की प्रोटेक्शन के लिए जो आपका स्प्लिंट है वो प्लास्टर को हमें नहीं छेड़ना चाहिए बहुत बार कुछ पेशेंट्स ऐसे होते हैं दे नॉट ट्राई टू जिसको बोलते हैं कि वो हम अपने आप को रोक नहीं पाते कि मेरा नोज कैसा है आ, तो उसके लिए वो क्या अपने uh, प्लास्टर को हटा के और वो जो है नोज़ को देखने की कोशिश करते हैं एंड दे पुट इट अगेन इस सर होंगे बीटू ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो प्लास्टर जो डॉक्टर ने लगाया है उसमें तीन लेयर होते हैं नीचे स्टेर स्ट्रिप्स होता है फिर जिप्स होना होता है फिर उस पर स्टेर स्ट्रिप होता है तो उसकी पकड़ इतनी नहीं होती तो स्वेलिंग जो है वो बाद में आपकी कम नहीं होती सो so, इसलिए बेसिकली क्या है कि वो प्लास्टर को जब डॉक्टर टेन डेज बाद हटाता है तो ही आपको हटाना चाहिए उसको आपको नहीं हटाना चाहिए सो so, ये खाने पीने में आपकी हैबिट्स हैं हैवी वर्क है एंड ये सब चीज़ें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए uh, इसके अलावा आपको जो है आपकी स्क्रीनिंग टाइम वो भी आपका बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए स्क्रीनिंग टाइम कम होना चाहिए जिससे आपको नोज पे आपको स्ट्रेस नहीं हो सो दोस्तों ये वो इंफॉर्मेशन है जिससे अगर हम फॉलो करते हैं तो हमारी जो नोज़ की जो है आफ्टर राइनोप्लास्टी जो है वो हीलिंग है वो फास्ट होगी सो आई थिंक दिस इन्फॉर्मेशन रियली यूज़फुल फॉर यू एंड डेफिनेटली यू कैन शेयर दिस इन्फॉर्मेशन टू योर फैमिली फ्रेंड्स एंड कलीग्स जिससे उनको नोज़ की जो पोस्ट राइनोप्लास्टी रिकवरी दैट फास्ट थैंक यू